सब इकट्ठे हो गए, इनका सब एक मकसद है, सिर्फ एक मकसद है, 3 लफ्ज सुनना चाहते हैं मेरे से, NRO। आप NRO की जवाब करते हैं कि अब आप डील या ढील नहीं देंगे, आपकी धमकियों और आपकी तड़ियों से ऑपोजिशन डरने वाली नहीं। पीपल्स पार्टी की क्यादत ना आज सौदेबाजी करेगी, कंप्रोमाइज करेगी, ना आइंदा करेगी। सितंबर में नवाज शरीफ साहब की अपील जेरे समात है और हुकूमत को ये खौफ है उनकी अपील मंजूर हो सकती है, तो वो इस किस्म की डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं ताकि अदलिया पे दबाव डालें। इन चीज़ों का कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं। मैं इमरान खान को जानता हूँ, वो किसी कीमत पर NRO नहीं करेगा। पीपल्स पार्टी के चंद दोस्त जो हैं वो थोड़ी बहुत पेमेंट करने के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ के लोगों को भी इस रास्ते पर काम करना चाहिए। मैं हूं हैदर वहीद और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। आज हम बात करेंगे डील की सियासत की। हमने देखा कि पिछले कुछ दो पेशियों से, खासकर मरियम साहिबा उस तरह से नहीं बरसी जिस तरह पहली पेशी के बाद उन्होंने कुछ कमेंट्स किए थे, जो कि कहा जाता था कि शायद इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत वक्त के इंटरेस्ट के बरक्स हों, लेकिन हमने देखा कि पिछली दो पेशियों से कोई बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से अग्रेशन हमें नहीं नज़र आया और इसने फ्यूल किया है उन रूमर्स को अब, जो कि मीडिया का भी एक सेक्शन लेके चल रहा है कि शायद कोई डील होने वाली है। लेकिन ये डील होने वाली है या नहीं, इसको वही वाला प्रेस का भी सेक्शन और वही लोग ज़्यादा इसका तस्करा क्यों कर रहे हैं जो कि समझे जाते हैं कि PTI हुकूमत के ज़्यादा करीब या इस्टेब्लिशमेंट के ज़्यादा हामी हैं। और हम देखते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से उनकी पार्टी की तरफ से, या वो कमेंटेटर्स जिनका समझा जाता है कि उनका नुक्ता नज़र भी वो बेहतर समझते हैं, उनकी तरफ से इस तरह की डील की कोई बात नहीं हो रही। तो क्या डील होने जा रही है वाकई या नहीं, इस पे हम बात करेंगे। और आगे जाके कश्मीर का जो मसला है उसका जो इम्पैक्ट डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे ही सिर्फ नहीं, बल्कि एक पाकिस्तान का नैरेटिव रहा है, जो इंटरनेशनली भी एक नैरेटिव रहा है, एक इस्टेब्लिशमेंट का विद इन पाकिस्तान नैरेटिव रहा है, ये सारी चीज़ें आगे जाके किस तरह इस वजह से कि जो मोदी साहब ने किया एडजस्ट होने जा रही हैं या नहीं, इस पे हम बात करेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं हाशमी साहब, जो कि सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और बहुत ही वोकल जो है हामी हैं नवाज शरीफ साहब के, और नवाज शरीफ और मरियम साहिबा की सियासत के, खासकर उनको हमने दावत दी है। नफीसा शाह साहिबा जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडर हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। उमर चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बहुत पुराने इमरान खान के साथी और PTI के लीडर हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अगर उमर चीमा साहब, आपसे मैं शुरू कर सकूं, सर ऐसा क्यों है कि हम जो डील की बातें सुनते हैं वो ज़्यादा हुकूमत के हामियों की तरफ से सुनते हैं, हुकूमत के मिनिस्टर्स की तरफ से सुनते हैं? हम सुनते हैं कि नवाज शरीफ साहब डील करने जा रहे हैं, मरियम साहिबा इसीलिए फिर से चुप हैं, नवाज शरीफ साहब जो है वो हार मान चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं, ये सारी बातें आती हैं तो बार बार हुकूमती ज़रायों की तरफ से आती हैं, तो ऐसा क्यों है सर कि एक तरफ से ये बातें आती हैं और अभी तक तो सच साबित नहीं हुई हैं? शुक्रिया हैदर। एक तो सबसे पहले मैं आज यौम दिफा के मौके के ऊपर 6 सितंबर के शहदा दहशतगर्दी में हमारे जिन जानबाजों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी और आज़ादी कश्मीर के शहदा को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। ये तो आपको याद है, आपने पहले दिन से कहा था कि क्यों दोनों जमातों की लीडरशिप ने जिस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करके, तो ये बचते रहे आपस में, इन्होंने जो मुकमुका किया, नूरा कुश्ती करते रहे, किस तरह से पिछले 10 सालों के अंदर नैब के ज़रिए फोटोकॉपीज दे के केसेस को क्लियर करवाया गया, क्लीन चिट्स लेने की कोशिश की। हमने बड़ा वाजह कहा था कि हमारी जमात, हमारी हुकूमत जो है वो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी पे बिलीव करती है और हम कतई तौर पर किसी के लिए भी कोई ना इम्यूनिटी है और ना ही किसी के साथ किसी किस्म की कोई डील होगी और ना ही NRO दिया जाएगा। लेकिन आपने देखा कि मुसलसल एक साल के अंदर, क्योंकि इन दोनों जमातों की अपनी एक तारीख है कि ये कौम से झूठ भी बोलते रहे और इन्होंने NRO भी लिए, अपने करप्शन केसेस भी माफ़ कराए, रिकॉर्ड का ऐसा ये को मैं नहीं कह रहा हूँ। इसके बाद आपके सामने है कि जब एक तरफ अदलिया ने इनके जो फैसले दिए उसमें बड़ा वाज तौर पर लिख दिया कि करप्शन के गॉड फादर्स हैं, सिसिलियन माफियाज हैं, इनको सजाएं हुई हैं, इनकी लीडरशिप को सर, वो आपका एक नैरेटिव है, जजमेंट आ चुकी है, लेकिन ये बताएं कि PTI की तरफ से डील की बात क्यों ज्यादा आती है? मतलब आप चाहते हैं बहुत ज्यादा कि डील हो, मैं गुजारिश कर रहा हूं जी,
नहीं, हम नहीं चाहते, लेकिन बात ये की जाती है बार बार कि इनके पास अब एक ही रास्ता बचा है जो नैब के कवानीन के मुताबिक है, और वो है प्ली बार्गेन। उसके अलावा किसी किस्म की और डील ना होगी और ना ही कोई गुंजाइश मौजूद है। इसलिए जो इस किस्म के मुख्तलिफ जो है लोग इस पर तबसरा भी करते रहते हैं, अपनी राय भी देते रहते हैं। सो मैं नहीं समझता हूँ कि इसको इस तरह से रद्द किया जा सकता है, क्योंकि आपके सामने कि इन्होंने पूरा हर तरीके से इन्होंने कोशिश की यहाँ से जो है जेल से बाहर आने का, क्योंकि आपके सामने है कि पिछले 3 साल से अदालतें कौम भी इस इंतजार में कि ये अपनी कोई बेगुनाह सबूत दे सके, लेकिन एक साल से सवाय इंतकामी कार्रवाई का रोना रोने के ये कोई भी चीज आज तक अपनी बेगुनाही में पेश नहीं कर सके। एक दफा फिर आपसे सर यही पूछूंगा, वो सारी बातें अपनी जगह, आपका कहना जजमेंट्स इनके ख़िलाफ़ हैं, ये चोर हैं, जो भी हैं, ये बात के वो डील करना चाहते हैं, पैसे दे के अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं या अपनी बार्गेन करना चाहते हैं, ये सारी बातें हुकूमती या इस्टेब्लिशमेंट के ज़राओं से ही क्यों आती हैं? बाकी जो एक बहुत बड़ा सेक्शन है प्रेस का, वो भी इसको बहुत ज्यादा एंटरटेन नहीं करते जी। वो तो बड़ा ऑब्वियस रीजन है हैदर, क्योंकि ये लोग तो वो लोग हैं जो डील करके लिख के डील्स करके, आपको याद नहीं है मियां नवाज शरीफ कहते थे मेरी कोई डील नहीं हुई, याद है आपको? फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर अगलों ने लाके जब 10 साल की डील सामने पेश की तो फिर ये लोग माने। अभी पीपल्स पार्टी है इनके लीडर से पूछेंगे हमने कभी एनआरओ नहीं किया, जबकि ऑन रिकॉर्ड है रीसेंट एनआरओ जिन्होंने अबू धाबी में जनरल मुशर्रफ के साथ किया, अगर पूरी कौम ने कौम को भूल गया। सो लिहाजा इन लोगों की इन बयानात और उसके ऊपर आप बच जाएं, क्योंकि ऑब्वियसली इनकी पूरी सियासत कॉम्प्रोमाइज हो जाती है अगर ये लोग बात करें डील की, ये तो कहते रहेंगे, लेकिन हमें पता है कि पिछले एक साल में किस तरीके से इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर और डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्होंने हर तरीके से इन्होंने कोशिश की है। अब जब इनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा तो रास्ता एक ही बचा है कि ये प्ली बार्गेन करके ही तभी या फिर अच्छा, अपनी सजा पूरी करें। निहाल आशमी साहब, आपको मैं मौका दूंगा जवाब देने का। चीमा साहब कहते हैं डील आप करना चाहते हैं, प्ली बार्गेन आप करना चाहते हैं, आप पैसे दे के बचना चाहते हैं, लेकिन लोगों को नहीं बताते क्योंकि आपकी सियासत इससे मुतासर होगी। मैंने उनसे बिल्कुल ये पूछा था कि वही सेक्शन प्रेस का और वही लोग डील की बात ज़्यादा क्यों करते हैं जिनको अमूमन समझा जाता है कि वो पीटीआई में हैं, उनके हामी हैं या उनकी बात ज़्यादा मौसर तरीके से करते हैं, लेकिन उसके जवाब में वो कहते हैं कि जाहिर है कोई ऐसी बात जो आपकी सियासत को कॉम्प्रोमाइज़ करती है तो क्यों आप उसका एतराफ़ करेंगे, आप इसलिए एतराफ़ नहीं करते। जी निहाल हाशमी साहब, कैसे जवाब देंगे इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो हैदर वही साहब, आपने जो कहा कि दो पेशियों में मोहतरमा मरियम नवाज बहुत ही मुतहरिक थी, बात भी करती थी और उसके बाद उनके उसमें वो मुतहरिक नज़र नहीं आई, तो मैं आपके तवस्सुल से कौम को बताना चाहता हूँ कि इवन उनके डेट ऑफ फेयरिंग जो थी उसके बारे में भी मीडिया में ब्लैकआउट किया गया। मरियम के तमाम खबरों को, मरियम के नाम को मीडिया में ब्लैकआउट किया जाता है, तो चेजाए के मरियम के जो कौम को एड्रेस कर रही हैं, जो उनके स्टेटमेंट हैं, उनकी बयानियाँ हैं, उससे नशर करें आप? कम से कम आप लोग जो आज मीडिया है, कमजोर मीडिया है, यरगमाल मीडिया है, डरा हुआ मीडिया है, झुका हुआ मीडिया है, वो मरियम के बयानिये को नशर नहीं कर पा रहा, मुझे बड़ा अफसोस है। और देखिए उसी कल ही कैप्टन सफदर मेरे साथ में खड़ा था, उन्होंने कहा कि एक ही बयानिया है, वोट को इज्जत दो, वो भी मीडिया नहीं चला सका। मैं साथ खड़ा था, सोशल मीडिया में चल रहा, आप उठा करके देख लें। अब मेरे भाई उमर चीमा बहुत अच्छे आदमी है, उन्होंने जो बातें की, पढ़े लिखे आदमी है, उनके बातों का मुख्तसर जवाब यह है कि जनाबे वाला, दुनिया की तारीख का ये पहला एक्स प्राइम मिनिस्टर होगा जिसे जजमेंट, अगर उसे जेल से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती या कैद से या रिलीफ से, तो जजमेंट जब हुआ तो वह एक आदात फिजा में था, अपनी बेटी को लेकर पाकिस्तान आया, बावजूद उसके कि उनकी अहलिया बिस्तरे मर्ग पे थी और वो उनके गरहादरी में अल्लाह को प्यारी हो गई, ये रिकॉर्ड की बात है। लेकिन उस वक्त तो इलेक्शन दूसरी बात तो कुछ नजर नहीं आ रहा, तो डील करने का ज्यादा इस वक्त इंसेंटिव नजर आता है। मैं नहीं कह रहा डील हो रही है, उसी पे हम बात कर रहे हैं कि हो रही या नहीं हो रही, लेकिन इंसेंटिव तो ज्यादा आप नजर आता है ना। मुझे अगर आप मुझे मौका दे दें प्लीज, अगर आप मुझे मौका दे दें, आपने उनके बारे में इंटरप्ट नहीं किया, हैदर भाई साहब आप मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं, मुझे लगा कि मरियम वाले आप भी शायद डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जनाब,
کہ اگر میں آپ سے یا میں پوچھ لوں عمر بھائی سے کہ 1972 میں ان کے دادا یا والد نے کوئی پراپرٹی خریدا تھا اس کے کاغذات بتا دے اور وہ دوبارہ بیچا اس کے بارے میں بتا دے. کاش کہ حیدر وحید صاحب پڑھ چکے ہوتے عمر چیوا وہ ججمنٹ کو جو سپریم کورٹ نے کیا 40 سال کا حساب دیا ہے نحال ہاشمی صاحب جو بھیجا انہوں نے کہا اسے پان کی دکان میں رد دی کہ ایک منٹ کیا ایک پائی کسی بھی پروجیکٹ میں کہ کیا کمیشن کے مد میں سپریم کورٹ نے یا آپ کے نیا وزارت نے کہا کہ نواز شریف نے پیسے کمیشن لیے ڈیل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے آپ کہتے ہیں ڈیل نہیں ہو رہی ہے ایک منٹ میں بیچ میں نہیں بولا ہوں میں بیچ میں نہیں بولا ڈیل ہو رہی ہے یا نہیں اس پہ بات کریں سر وہ میرٹس کی بات نہیں ابھی ہم کر رہے ووٹ کو عزتوں کے ساتھ ہے ہمارے ڈیل صحیح ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کوئی ڈیل نہیں ہے کس بات کی ڈیل ہوگی کوئی ڈیل نہیں ہے نہ ہم ڈیل دیں گے نہ ہم سلیکٹڈ پرائم منسٹر کو این آر او دیں گے ہم نہ کسی کو ڈھیل دیں گے نہ ڈیل دیں گے ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے آج لوگ اس مقام پہ آ گئے کہ لوگوں کے گھر میں نان شبینہ نہیں ہے بے روزگاری لاکھوں کی تعداد میں بن گئی پاکستان کی سرحدوں کو آج پامال کیا جا رہا ہے کشمیری چیخ رہے ہیں پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ کرنی نہیں آ رہا ہے یہ جا کر کے ٹرمپ کے گود میں بیٹھتے ہیں اور چائنا کے 62 ڈالر کے پروجیکٹ کو رول بیک کر دیتے ہیں آج یو اے ای والا کہتے ہیں کہ کشمیر کو آپ امہ کا ایشو نہ بنائے آج مودی کو ایوارڈ دیا جاتا ہے ان سے ڈیل کریں گے ہم یہ ڈیل یہ چینا صاحب ذرا پہلے نفیسہ شاہ صاحبہ کو لیں گے پلیز آپ کی اجازت سے نواز شریف 3 ٹائم پرائم منسٹر ہے ایک قدیم لیڈر اس کا ان کے ساتھ کیا موازنہ سر ٹھیک نفیسہ شاہ صاحبہ سوال آج کا یہی ہے کہ کیا کوئی ڈیل جی جی تھینک یو آشفی صاحب کہ ڈیل ہونے جا رہی ہے نفیسہ شاہ صاحبہ یا نہیں زرداری صاحب بھی علیل ہیں اور کہا جاتا ہے کہ شاید وہ بھی ڈیل کی طرف جائیں تو اب یہ ڈیل ہو رہی ہے یا نہیں میں اس بات کو پہلے ہی اٹھا چکا ہوں کہ ایک سیکشن پریس کا اور حکومت کی طرف سے یہ بات زیادہ آتی ہے اور لگتا یہ ہے کہ اگر نواز شریف اور زرداری صاحب ڈیل کرنا بھی چاہتے ہیں تو حکومت کی طرف سے بھی اس کو اتنی بات کو طول دی جاتی ہے جیسے ان کی طرف سے بھی بڑی خواہش ہے ڈیل کرنے کی تو اگر آپ کی طرف سے نہیں ہے تو کہیں ان کی طرف سے تو نہیں ہے ڈیل کی خواہش دیکھیں یہ تو پی ٹی آئی خود بتا سکتی ہے لیکن پہلے تو یہ ہم ڈسکس کر لیں کہ پلی بارگن کون کرتا ہے پلی بارگن وہ کرتا ہے جو اپنا کرائم یا اپنی کرپشن کنفیس کرے تو مجھے تو دو شخصیت اس وقت اور بھی ہوں گے لیکن دو شخصیات اس وقت مجھے ذہن میں آ رہی ہیں جنہوں نے اپنی کرپشن کو کنفیس کیا ہے اور کورٹ کے آگے کیا ہے تو اگر یہ بہت اچھل رہے کود رہے ہیں اپلی باگن کے اوپر تو پہلے خدارہ علیمہ باجی جنہوں نے کورٹ میں جا کر کنفیس کیا ہے کہ ان کے انڈکلیئرڈ پراپرٹیز ہیں نیو یارک میں اور لنڈن میں اور دبئی میں پہلے تو ان سے پلی بارگن کر لیں دوسرا جہانگیر ترین صاحب انہوں نے کنفیس کیا ان اوپن کورٹ کہ میں نے انسائیڈر ٹریڈنگ کی ہے انسائیڈر ٹریڈنگ اٹ از اے کرائم تو پہلے تو ان سے پلیز 16,000 ایکڑ ہیں ان کے ان سے کچھ لے لیں 10,000 ایکڑ تو لے لیں ایٹ لیسٹ اس میں کتنے آپ کے ارب ڈالر آئیں گے وہ بھی کاؤنٹ کر لیں جہاں تک ہماری پارٹی کے لیڈرز کا تعلق ہے انہوں نے ٹوٹلی ڈینائی کیا ہے جو بھی ان کے الیگیشنز ہیں انہوں نے چیلنج کیا ہے اس کو اور وہ کورٹ میں فیس کر رہے ہیں نفیسہ شہبہ آپ کہہ رہی ہیں ڈیل نہیں ہے لیکن جب سینٹ الیکشنز میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کی وجہ سے کایا پلٹ جاتی ہے بتایا جائے ظاہر ہے ثبوت تو اب کسی کے پاس نہیں ہے لیکن ایک بات ضرور چل رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے ریبلز اتنے تھے کہ آپ نے جو ہے اگین اپوزیشن کی جو ایفرٹس تھیں حیدر بھائی مجھے افسوس ہے کہ آپ ایک منجھے ہوئے اینکر ہیں اور آپ یہ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے لیکن پیپلز پارٹی کے کوئی لوگ میں کہا یہ کہا جاتا ہے اگر نون کے نہیں ہیں آپ کے نہیں ہیں تو کون ہے کون تھے یہ لوگ پھر جو میں کچھ کہہ سکتی ہوں لیکن کسی کے پاس کیا پتا ہے کہ کون نہیں بٹ اتنے لوگ لائلٹی شفٹ کر گئے تو آپ کے بھی تو ان میں سے ہو سکتے ہیں نا جی کسی کے بھی ہو سکتے ہیں اور انکوائریز ہر کوئی اپنی اپنی جماعت میں آپ نے تو اپنی انکوائری کی جو آپ بہت زیادہ کہتی تھیں کہ ہم اپنی کمیٹیاں بنائیں گے پکڑیں گے ان لوگوں کو کالی بھیڑوں کو نکالیں گے ہمارے پہلے تو آپ انہوں نے جو یو ٹرن کیے ہیں نا پی ٹی آئی والوں نے
کہ جی ہم یہ سینٹ کا سیکرٹ بیلٹ ختم ہونا چاہیے, کیوں سیکرٹ بیلٹ کرایا, کیوں نہیں چینج کرایا انہوں نے رولز؟ لیکن آپ نے کیوں نہیں کالی بیڑوں کو نکالا؟ یہ تو ہیں برے, آپ نے کالی بیڑوں کو کیوں نہیں نکالا؟ کیا کون ہے کالی بیڑے؟ جن لوگوں نے لائلٹیز چینج کی, جن کے لیے آپ کہہ رہے تھے کمیٹی بنے گی, ہمارا ان کی طرح وجیلانٹے جسٹس نہیں ہے کہ جس پر شک ہو اس کو کلاڑی مارو, ایسے نہیں ہوتا. اکاؤنٹیبلٹی بھی تو پھر نہیں ہے نا آپ کی. گیٹ یور ایویڈنس. نہیں تو ایویڈنس کا ایک پروسیس شروع کریں نا. کمیٹی نے کچھ کیا ہے آپ کی؟ کیا تحقیقات کی ہیں ابھی تک؟ وہ کیا ہوگا, انہوں نے کیا ہوگا, وہ جو کمیٹی ممبرز ہیں ان کو بلا کے آپ پوچھ لیں. میں تو کمیٹی میں نہیں ہوں, لیکن میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ کمیٹی ہے اور کمیٹی کی ریگولر میٹنگز ہو رہی ہیں. اگر ان کو ایویڈنس ملا تو ایکشن لیں گے, اگر ایویڈنس نہیں ملا تو ہم پی ٹی آئی کی طرف کوئی پیش رفت ہے, کچھ کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے, تشکیل دی گئی ہے کوئی کمیٹی, اس نے کچھ کام کیا ہے؟ یہ تو مفروضوں پر لوگوں کو بکتر بند میں ڈالتے ہیں, یہ تو کرتے ہیں. اور آپ جو ہے وہ دوسری ہینڈ پہ ہیں کہ انکوائری کا کیا, کہ انکوائری بھی نہیں کرتی. جی انکوائری ہو رہی ہے, انکوائری ہو رہی ہے, لیکن یہ ہر جماعت کا اپنا معاملہ ہے. نہیں اپنا معاملہ نہیں ہے میڈم, یہ تو پاکستان کے سینیٹر ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے. پاکستان کے سینیٹر ہیں اور آپ کے انڈر ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے ان کو پکڑنا. وائی ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ؟ نو, وائی ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ ون سمپل فیکٹ؟ اگر آپ رول آف لا میں بلیو کرتے ہیں تو اگر آپ کے پاس ڈیسائسو ایویڈنس ہے, پروسیس تو شروع ہے ایویڈنس گیدر کرنے کا. کوئی اگر ایویڈنس نہیں ہے تو میں کیسے دے سکتی ہوں؟ ایویڈنس ہے یا نہیں ہے تو پروسیس میں پتا چلے گا. پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہر چیز کرتے ہیں. اچھا بہرحال ٹھیک ہے میڈم, آپ کہہ رہی ہیں کہ پروسیس انڈر وے ہے اور ابھی تک کچھ ملا نہیں ہے, اور آپ ان کی طرح وجیلانٹی جسٹس میں نہیں بلیو کرتی, جب تک ایویڈنس نہیں آئے گی تو کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا. بہرحال یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہسٹری کیپس ریپیٹنگ اٹ سیلف, جب سیاسی پارٹیاں اپنی کالی بیڑوں کو نہیں نکالتی تو وہی کالی بیڑے آ کے ڈستی ہیں آپ لوگوں کو. جنہوں نے کالی بھیڑوں کو نکالا انہوں نے کیا کیا؟ اب انہوں نے کیوں, جو ہمیں جو رپورٹس ہیں کہ یہ برائبری کون آفر کر رہا تھا, اور اس کا ذکر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی کیا تھا, جو کہتے ہیں کہ یہ کالی بھیڑے ہیں, یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے, کرپشن ختم ہونا چاہیے, تو برائبری میں کس نے انگیج کیا؟ رولنگ پارٹی نے کیا نا, انٹرسٹ کس کا تھا؟ تو اس کے اوپر انکوائری کر رہے ہیں عمران خان صاحب. ہم تو کر رہے ہیں, انہوں نے کمیٹی بٹھائی کہ کس نے برائب کی. بہرحال ٹھیک ہے, ہماری انکوائری چل رہی ہے, ان کی چل رہی ہے. حیدر جب ہوئی ساری کالی تو پھر ان کو کیسے کیا کریں گے ان سے؟ چیما صاحب تھوڑا سا ذرا پلیز. اچھا شاہد لطیف صاحب, تھوڑا سا اگر ہم اس طرف آ سکیں کہ سر یہ اگین ڈیل کی جو بات ہے, ایک ہسٹری ہے ڈیل, کیونکہ اس ملک میں ہوتی رہی ہے, ایسا نہیں ہے کہ لوگ ڈیل کی بات کرتے ہیں, یہ ڈیلیں ہوتی رہی ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ سر اس دفعہ اگر ہم انالائز تھوڑا سا کریں کہ اگر نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اپنے نیریٹو پہ ڈٹ جاتے ہیں اور ڈیل نہیں کرتے, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پھر ڈپینڈ کرے گا کہ معاشی حالات اور ملک کے حالات کس طرف جاتے ہیں. کیونکہ سر جس طرح سے ہم نے اپنے ملک کی ہسٹری بھی دیکھی ہے کہ جہاں لوگوں کے پیٹ پہ یوٹیلیٹیز اور کموڈیٹیز کی پرائسز کے ایشوز بڑھ گئے بہت زیادہ, تو پھر یہ سارا رول آف لا اور جوڈیشری کے فیصلے اور مریم نواز صاحبہ کو بلیک آؤٹ کرنا ایک دم سے عوامی ایشوز بھی بن سکتے ہیں اوور نائٹ. آپ کیسے انالائز کریں گے سر کہ یہ جو ابھی باتیں ہیں, جو نیریٹو میاں صاحب کا ہے جس پہ وہ ڈٹے نظر آتے ہیں, کیا واقعی اس پہ ڈٹے رہیں گے, ڈیل ہوگی یا نہیں ہوگی, اور وہ ڈٹے رہنے سے کیا پولیٹیکل ڈیویڈنڈ مل سکتا ہے نواز شریف صاحب کو اگر وہ ڈٹے رہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ہماری بحث چل رہی ہے وہ کیا سارائیوں کے اوپر چل رہی ہے. کیا بحث کیا سارائیوں کے اوپر ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے ہم حتمی نتائج نکالیں اور منطقی نتائج کا جو ہے وہ اعلان کرنا شروع کر دیں؟ میں سمجھتا ہوں ایسے نہیں ہونا چاہیے. جو مقدمے ہیں اور جو کاروائیاں ہیں اور جو بھی انکوائریز ہیں وہ چل رہی ہیں نا, اور اس میں مختلف اس وقت جو ہیں وہ شک و شبہات بھی سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں, مختلف جو ہیں وہ آرا بھی آنی شروع ہو گئی ہیں. یعنی کل ہی کی بات ہے جو خبر چل رہی تھی آپ کے یہاں سے کہ جی وہ انور مجید ہیں وہ کوئی وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں اور انہوں نے جو بہت ساری باتیں ہیں وہ ڈیولج کر دی ہیں, تو کیا اب اس چیز کا جو ایکسیپٹنس ہے وہ کیا پیپلز پارٹی میں بھی ہوگی, کیا ہوگا آگے؟ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ساری باتیں کیا سارائیوں پہ چل رہی ہیں, ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے. ہمیں جو مقدمے اس وقت عدالتوں کے سامنے ہیں ان کا انتظار کرنا چاہیے,
और जिस तरह बातचीत चल रही है, इतने सारे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। यानी आप कह रहे हैं हुकूमत गलत है जब वो डील का इल्ज़ाम लगाती है कि मियां साहब डील चाहते हैं, तो आपके ख्याल से ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, केसेस को चलने दें, ख्यासाराई ना करें। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जी, ठीक है, तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये तो आप लोगों के मुँह में बात डालने की कोशिश कर रहे हैं ना, जो आप चाहते हैं कि लोगों के अंदर इस तरह की शुरू हो जाएं। जी हाँ, ठीक है, सही कह रहे हैं आप। चीमा साहब क्या कहेंगे इस पे? क्योंकि लतीफ साहब का पॉइंट वैलिड है। जी बिल्कुल, लतीफ साहब का पॉइंट वैलिड नजर आता है चीमा साहब, कि ये जो बातें क्यों, शेख रशीद साहब हैं आपके हुकूमत के मिनिस्टर्स हैं, खान साहब खुद हैं कहते हैं इन्हें तीन अल्फाबेट NRO, मैं NRO दे दूँ तो ये दो मिनट में भाग जाएंगे, इन्हें NRO ही चाहिए, तो ये बातें करके क्या आप इलेक्ट्रेट को और पाकिस्तान के आवाम की नज़र में मियां साहब और मरियम साहब की साख नीचे कर रहे हैं, नहीं कर रहे? और अनफेयरली, वो तो कुछ नहीं बोल सकते, वो तो जेल में हैं, तो ऐसी बातें आपकी तरफ से आना सही है क्या कि वो डील चाह रहे हैं, डील चाह रहे हैं, डील चाह रहे हैं? मैंने 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 आपको प्रोग्राम के शुरू में पहले भी जब आपने बात हो रही थी तो मैंने आपको याद कराया कि हमें ही नहीं, ये हकायक हैं, ये तारीख का हिस्सा है, दोनों जमातों की लीडरशिप इस तरह से दफा जब तक डील हो नहीं जाती, अगर होती है काबिज होता रहे, बात करना गलत नहीं, इस तरह इन्होंने मुशर्रफ से डील की, किस तरह अपने केसेस माफ कराए, और ये मुहतरमा भी कह रही थी कि जनाब हमने जवाब दे रहा हूँ आपको, नहीं आवाम ही जवाब दे रहा हूँ, आप अब हौसले से मेरी बात सुने ना हाशमी साहब, वाली बात तो ये है कि जवाब तो आप नहीं दे पाए क्योंकि आपके पास कोई जवाब है नहीं, एटीट्यूड आपका ये, अगर और कुछ नहीं तो जो तकलीफ आप लोगों को अदलिया और अदालती फैसलों से है, वो आपका अपना बयान आपके चला दें तो वही काफ़ी हैं, और अभी आपने जो तस्दीक किया है पाकिस्तान के मीडिया के, जो उसके ऊपर जिस तरह से आपने जो आपने पूरी गुफ्तगू किया, मैं समझता हूँ कि वो भी इंतहाई नामुनासिब थी, इससे पहले कभी मीडिया के ऊपर इतनी आजादी मेरे ख्याल में मैंने कभी नहीं देखी, जिस तरह की जा रही है आजाद अदलिया और आजाद मीडिया से खायफ रही है, वो भी तो आपके सामने, आप अगर आजादी के, मैं आपकी बात को, भाई आप में हौसला तो है नहीं बात करने का, अगर आप लोगों का एजेंडा ही है, आप लोग बस जवाब कुछ है नहीं, अब आप हर टॉक शो पे आके आप लोग इसी तरह गुफ्तगू अगले को करने नहीं देते। अच्छा, जो चीमा साहब से मैं सवाल कर रहा था जिसका जवाब हाशमी साहब, ये तो आप चीमा साहब को जवाब नहीं देना देने दे रहे, क्योंकि लतीफ साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है, हाशमी साहब आपकी बातों से आपके नैरेटिव को कोई फायदा नहीं हो रहा, चीमा साहब को वाकई सही सवाल उठाया लतीफ साहब ने कि आप क्यों डील की बात करते हैं, जो लोग जेल में जो अपने बारे में खुद कुछ नहीं कह सकते उनको लोगों की नजरों में क्यों गिराते हैं, जब तक आपके पास सबूत नहीं है, जब तक डील होती नहीं है, आप क्यों कहते हैं कि डील हो रही है? जी मेरे भाई, हमें इनको कहीं गिराने या उठाने की जरूरत नहीं है, इनका अपना किरदार इनके और इनके अपने कॉल ऑफ फेल जो मेथजात है कौम के साथ रहा है वही काफी है, ऑब्वियसली एज अ पॉलिटिकल पार्टी एज अ लोगों को क्यों रिमाइंड करते बताएं कि इसलिए कि ये इनकी हकीकत है, ये बगैर आज तक कभी ये बचते ही सिर्फ NRO के और डीलों के जरिए बचते रहे, शायद मैं आपसे कह रहा हूँ कि इनकी तारीफ है, आप कैसे कह सकते हैं ये क्या सराई नहीं है, ये क्या सराई नहीं है हैदर, मैं आपको बता रहा हूँ, मरियम साहिबा ने आपको रिक्वेस्ट किया, ये क्या सराई नहीं है, ये देखें जी इसलिए कि इन दोनों लीडरशिप की अपनी एक तारीख है, ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं आपको हकायक के साथ सबूत दे सकता हूं, बात के आप दें हकायक क्या है, सबूत दें, कैसे आप कह रहे हैं हकायक हैं, कैसे कह रहे हैं हकायक हैं, इसलिए कि इनकी कोई और इसके अलावा क्या है, इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड पे तो आप नहीं कह सकते ना, उससे पहले बाकी के साथ ये फिर लतीफ साहब की बात सही है, ये बचते रहे, ये क्या सर एयर मार्शल, शायद लतीफ साहब ने बहुत अच्छा नुक्ता उठा लिया है जो कि मेरे ख्याल से शो का एक वो बन गया है, ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक से वापस आके इस सिलसिले को यहीं से जोड़ेंगे।
ویلکم بیک. شاہد لطیف صاحب نے بہت اچھا نقطہ اٹھا لیا ہے جو کہ میرے خیال سے شو کا ایک وہ بن گیا ہے. شیبا صاحب آپ اس کا جواب نہیں دے پا رہے. آپ کہہ رہے ہیں ٹریک ریکارڈ کی بنیاد پہ جائز ہے یہ الزام لگانا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں میں ماضی کے ٹریک ریکارڈ پہ مستقبل کے فیصلے نہیں کر سکتے. میں ایک بات کر رہا ہوں ماضی کے ٹریک ریکارڈ پہ مستقبل کے لیے آپ کسی کو بلیم نہیں کر سکتے. یہ بات جی ماں صاحب یہ بہت ہی میرے خیال بڑی عجیب سی آپ نے بات کر دی. آبویسلی آپ جو ہے باقی سب کچھ بدل سکتے ہیں, ان کی نیچر نہیں بدل سکتے. یہ اپنا چوری کا پیسہ آج تک نہیں کہ باہر کیوں رکھا ہے اپنے احساس سے. یہ تو کلاس کی بات ہے. بچتے بچنے کی کوشش کرتے رہے جہاں سے جہاں اس کا خون ہی گندا ہے. اس نے ایک سے یہ بات نہ کرے نہ جاری بات چوری ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ فیصلہ نہ کرے آپ کے ساتھ آپ یہ فیصلہ نہ کرے. عدالت کے اندر انہوں نے ہمیشہ جھوٹ بولا ہے. چوری کے پیسے آپ نے رکھے ہیں جو آپ نے الیکشن کمیشن کو نفیسہ شاہ صاحبہ کی طرف جائیں گے کیونکہ ہمیں نفاسوں کی ضرورت ہے. لیڈرشپ قوم سے جھوٹ بولنے کا خیال کریں آپ سب. 2 ارب 8 کروڑ روپے آپ قوم کے چوری کر کے اپنے دوستوں کو دے رہے تھے. ہاشمی صاحب چوری تو آپ کریں نا خزانے پہ. آپ ایک ثبوت ہے نواز شریف پہ چوری کی. آئندہ چوری کی بات نہ کریں. اگر آپ الزام لگائے تو اس کے ثبوت دیں. اس کے باپ کے پاس اتفاق فاؤنڈی تھا. ہاشمی صاحب آپ کی آواز نہیں جا رہی ہے. عدالت نے کہا ہے, عدالت نے لکھا ہے کہ آپ کا لیڈر سسلین مافیا ہے, گاڈ فادر کرپشن ہے. جائیں عدالت میں کریں جس طرح آپ کا کہ حقان میں جیسے سسلین مافیا عدالت میں بات چلی آتی ہے. آپ کے حق میں بات جاری تھی. ایون ایئر مارشل صاحب نے آپ کے حق میں بات کر دی تھی لیکن آپ پھر سے سسلین مافیا کی طرف بات لے گئے. وہ قومی لیڈر ہے جو 5 ملین ڈالر لے کے آئے. مجھے مائک پھر بند کرنے پڑیں گے, اچھا نہیں لگے گا. ذرا پلیز نیحال آشمی صاحب تھوڑا سا لحاظ کریں. سنیٹر جو پاکستان میں روزگار لے کے آئے, جو پاکستان میں چیزیں سستی کر رہا ہے, جس کے دور میں پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج آسمان کے بلندیوں کو چھو رہی ہے, آپ اسے چور کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے سر, ابھی کوئی چور کسی کو نہیں کہہ رہا. نفیسہ شاہ صاحبہ, اب ہم نے دیکھا ہے کہ دیکھیں ان کی طرف سے یہ نیریٹو آتا ہے کہ آپ این آر او چاہتے ہیں. آپ کہتی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے, لیکن سیاسی طور پہ اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے بیکاز لوگ یہ پھر سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ شاید واقعی میں وہ کرپشن کرتے ہیں, کر چکے ہیں جس کی کہ بات کی جاتی ہے. ظاہر ہے ناٹ ایوری ون بائز اٹ بٹ سم پیپل ڈو. تو آپ کا کاؤنٹر نیریٹو اس پہ کیا ہے کہ جب یہ لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ آپ تو ڈیل ہی چاہتے ہیں, آپ کی تو سیاست ہی صرف یہ ہے کہ آپ سیاست کرتے ہی اسی لیے کہ ڈیل مل جائے اور پھر آپ جو باہر چلے جائیں یا جو بھی کر لیں, تو اس کا کاؤنٹر نیریٹو پھر کیا ہے آپ کے پاس؟ ایک تو یہی ہے کہ ثبوت کے بغیر ایسی بات کر رہے ہیں. سر لطیف صاحب نے کہا میں نے تو یہ پہلے چیلنج کیا کہ یہ جو کرپشن کے یہ داستان گوئی انہوں نے کی کئی سال, جو ان کے اپنے رینکس ہیں اس میں, میں نے تو کچھ نام بھی لیے ہیں. اگر نام نہ بھی لوں تو آپ کو بھی یہ پتہ ہوگا کہ ان کے اپنے منسٹرز میں جعلی ڈگری ہولڈرز ہیں, انسائیڈر ٹریڈرز ہیں, لون ڈیفالٹرز ہیں, بے نامی اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں, جعلی اکاؤنٹ کیسز. ہم تھوڑا ڈائیگریس کر جائیں گے. یہ آپ یہ جو نیریٹو ہے نا, ٹھیک ہے, آپ نے کہہ دیا کہ ان کے لوگوں میں بھی کرپٹ ہیں, آپ نے کہہ دیا کہ کرپٹ ہیں ان کے لوگ بھی کرپٹ ہیں, آپ نے کہہ دیا, ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں کرپٹ تو ہے لیکن جو سسٹم ہے وہ ان کو فیور کر رہا ہے, اور نیب جو ہے ان کی ون سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے. یہ ہمارا نیریٹو ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ جو بھی الیگیشنز ہیں, جتنے بھی ریفرنسز ہوں, 20 ہوں یا 100 ہوں, ٹھیک ہے, اگر کوئی وعدہ معاف گواہ کے بھی کچھ مفروضے کی بنیاد پر کہہ رہا ہے, ساری چیزیں کورٹ میں ہیں. لیٹ دا کورٹ ڈیسائڈ. پہلے بھی زرداری صاحب 12 سال قید کیوں رہے؟ اگر ان کو پلی بارگننگ کرنی ہوتی تو 12 سال قید میں کیوں رہتے؟ کون مجھے بتائیں کہ کوئی ایک دن قید میں رہ سکتا ہے جہاں پر آپ کے پاس اے سی نہ ہو, آپ کے پاس پنکھے نہ ہو, آپ کے پاس ٹی وی نہ ہو, آپ سی کلاس میں بیٹھے ہیں, 7 بجے ساری لائٹس آف کر کے آپ کو شٹ کر دیں, تو 12 سال کوئی جیل گزار سکتا ہے؟
तो जब पीपल्स पार्टी की ये बात है चीमा साहब के अगर जरदारी साहब ये कर सकते हैं तो लेट देम फेस तो डील वैसे उमर का भी कोई और हिस्सा है ये उमर का वो हिस्सा नहीं तो दूसरा चीमा साहब मरियम नवाज साहिबा तो बिल्कुल भी नहीं लगती डील के फेवर में उनकी कौन सी एक अदा आप बता दें एक बात बता दें एक इशारा बता दें कि जो आपको कहता है कि वो डील करना चाहते हैं मुझे बता दें मैं अब सिर्फ 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 10 सेकंड लूंगा आपके जी जी पहली बात तो ये है कि जो अभी मोहतरमा ने भी बात की कि जी इनको पहले सी क्लास दी जाती थी इनकी लीडरशिप को और बड़ा इनके खिलाफ जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई वो सारी कौम देखती रही है जो उनके पे तशद्दुद भी होता रहा जेल के अंदर भी इनको कम से कम मौजूदा हुकूमत को ये क्रेडिट तो देना चाहिए कि हमने कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की जो इनका जो इनकी इंटाइटलमेंट बनती है वो तो कह रही है ना नायब को आपने चाबी देके पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की है सिर्फ बता दें मरियम साहिबा की एक बात बता दें जिससे हम ये मान लें कि वो डील चाहती हैं जरदारी साहब की एक बात बता दें मियां नवाज शरीफ की एक बात बता दें पास्ट प्रैक्टिसेस के अलावा वो चलें हम आपकी बात मान लें पहले डील हुई है मियां साहब की इस दफा एक बात बता दें जिसकी बुनियाद पे इतना बड़ा आप इल्जाम उन पे लगाते हैं कि वो एनआरओ चाहते हैं मैं आपको बताता हूँ जी उसकी बड़ी इसके लिए कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कॉमन सेंस की बात है कि जब ये खुद अदालत के सामने कौम के सामने तस्लीम कर लेते हैं कि जनाब ये फ्लैट्स ये जायदाद ये अकाउंट हर चीज हमारी है और उसके बाद चाहिए एक सेकंड पिछले 3 साल से एक भी अपनी बेगुनाही का कोई सबूत अदालत तो कोई और बात आप नहीं कर सके आप कोई और बात कर रहे हैं सिर्फ एक रोना पिछले एक साल से का सवाल जो है वो प्रिवेल कर लिया जी इस शो पे अभी किसी आपने बिल्कुल इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब दिया अभी तक हैदर अब मुझे बात यह है मुझे नहीं समझ आ रही कि आप किस तरह से तसल्ली होगी कौम तो अच्छी तरह से कौम की तसल्ली भी हो चुकी है इनको बार बार मौके देके और कौम इनको इनकी हकीकत भी जान गई और कौम जानती है सही है सर ये बात अलग है लेकिन ना हम कह रहे हैं कि आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि डील हो रही है सिर्फ ये बता दें आप बेगुनाही का कोई सबूत नहीं दे सके और दूसरी तरफ जो है बात अलग है ना आप कह रहे हैं जलवाया भी जा रहा है ठीक है अब लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक मेरी गुजरा की जानिब से शहबाज शरीफ साहब लगता ये है शहबाज शरीफ साहब और इवन आसिफ जद्दारी और नफीसा साहिबा इसका जवाब देंगे आप शहबाज शरीफ साहब का बताएं लगता ये है कि जब टाइम आया था अभी प्राइसेस के हवाले से फिर कश्मीर के हवाले से मरियम साहिबा मुजफ्फराबाद जाके जलसा भी करने जा रही थी उनको तो ऑब्वियसली उन्होंने अरेस्ट कर लिया लेकिन पीछे से शहबाज शरीफ साहब ने कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और वीकनेसेस का कहीं भी किसी भी तरह से फ़ायदा सियासी उठा के कोई भी जो है वो कम्फर्ट देने की कोशिश नहीं की मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब को तो शहबाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं अगर आप इतने ही डटे हुए हैं अपने मौकफ़ पर इतने ही डील नहीं चाहिए तो शहबाज शरीफ साहब तो लगता है कि ऑलरेडी डील का बेनिफिट कर रहे हैं मैं नहीं कह रहा उन्होंने डील ले ली है लेकिन बजाहिर जो नजर आता है उसकी बात कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं कर रहा नहीं देखिए ऐसा हरगिज नहीं है बात यह है कि पार्टी का जो बयानिया है वो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है शहबाज शरीफ तो उसको आगे लेके नहीं चले वो क्यों नहीं मुजफ्फराबाद गया जब मरियम साहब अरेस्ट हो गई तो शहबाज शरीफ क्यों नहीं मुजफ्फराबाद लेट मी फिनिश अरे भाई लेट मी फिनिश अभी कल ही कैप्टन सफदर साहब ने मौलाना सबर फजलुर रहमान साहब को मियां नवाज शरीफ का बयानिया बता दिया है अब रह गया शहबाज शरीफ साहब का तो शहबाज शरीफ साहब काफी अलील रहे हैं और दूसरी तरफ उन्होंने ज्वाइंट पार्लियामेंट में देखिए वो कायदे हिजब इख्तलाफ है और वो जो बात करते हैं वो पार्लियामेंट में करते हैं और पार्लियामेंट ही हमारा यानी जलसों पे अब यही तो बात है सारी सर मरियम नवाज साहब जब से जेल गई हैं ऑपोजिशन खत्म लगता है कि एक ही इंसान था पाकिस्तान में जो ऑपोजिशन कर रहा था और फजल रहमान है दूसरा रोल बड़ा प्रॉपर और बिलावल साहब जो है वो पार्लियामान की हद तक डेफिनेटली करते हैं बट वो भी गवर्नमेंट है ना ये गवर्नमेंट बड़ी कमजोर है खायफ है डरी हुई है ये डरी हुई गवर्नमेंट जो है वो एक लड़की से डर गई और उसके 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 बट एक ही लड़की है ना आपके पास मसला ये है करके फैसलाबाद मैं आपकी बात मान लेता हूँ लेकिन मरियम साहबा जब जेल में तो कोई और है नहीं बटान लेने वाला लाखों लोग उनका काम आधा पौना भी करने वाला कोई है नहीं कुछ है जो कोशिश करते हैं बट उनका स्ट्रक्चर नहीं है जिनका स्ट्रक्चर है वो कर नहीं रहे और ये क्या मुकाबला करेंगे शहबाज शरीफ साहब का
पार्लियामेंट के ज्वाइंट इजलास को ये मुलतवी कर दिया इन्होंने। अच्छा पार्लियामेंट के ज्वाइंट लतीफ साहब एक तो क्योंकि आपने शो का शायद सबसे पर्टिनेंट मुद्दा उठाया है इन्होंने इन्होंने कौम के पीठ पे खंजर मारी अगले टॉपिक को शुरू करना चाहूंगा न्याय लाशी साहब उन्होंने डिफाई नहीं होने दिया। अच्छा लतीफ साहब ये बताएं कि अब कश्मीर पे जो हो गया है हाउ विल दैट अफेक्ट द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और एक हमारा जो नैरेटिव रहा है इंटरनली मुल्क में भी रहा है। मैं मुझे याद है मैं तो बचपन में मेरी स्कूल की शर्टों पर जो छेद होता था पाकिस्तान का हम वो बैज लगाते थे हर 14 अगस्त को लगाते थे कश्मीर का नारा लगता था। तो अब ये हमारा जो इंटरनल एक नैरेटिव था कि कश्मीर वॉज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ आर फॉरन पॉलिसी इट वॉज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ आर इंटरनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेयर पाकिस्तान स्टैंड्स विज़वी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स ये सारी चीज़ें अब किस तरह से अफेक्ट होंगी जो मोदी साहब का कदम है उससे। देखें पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि जब भी इस तरह के मसाइल और एमरजेंसीज पैदा होते हैं कौम के अंदर और इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि कश्मीर वाला मामला पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी इमरजेंसी पैदा हो गया है। यानी इस हद तक किसी ने नहीं सोचा था कि ये जो मोदी हुकूमत है एक मुतनाज़ इलाका को एक फाइन डे उठेगी और एकतरफा तौर पर अपना बना लेगी और उस पर कब्जा जमा लेगी। अपोलोजाइज ये बता दें कि क्या इफेक्ट होगा इसका हमारे नैरेटिव पे। जी इफेक्ट ये होगा सबसे पहली बात यह है कि हुकूमत का फ़र्ज था मेरे मुताबिक ये पार्लियामेंट में जो शोर शराबा है वो तो चल ही रहा है मेरे मुताबिक एक APC बुलाई जानी चाहिए थी कम से कम सारी पार्टीज के जो लीडर्स हैं उनको बिठाया जाना चाहिए था और मुत्तफिक का तौर पर एक फ़ैसला करना चाहिए था ये पहली बात है। दूसरी बात इस मुत्तफिक का फ़ैसले के बाद इसमें तो कोई दोहराई नहीं इदारे जो हैं वो एक ही पेज पर हैं जिसमें आपको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नज़र आती है इसके अलावा कोई ऐसी आवाज़ नहीं जो कि मैं सुनूं कि हुकूमत के खिलाफ उठती हो या कश्मीर के खिलाफ उठती हो। अब मैंने शुरू से ये बात मैंने मेंटेन की हुकूमत की मैनेजमेंट के खिलाफ तो आवाज़ उठ रही थी फिर उनको आपने अरेस्ट कर लिया। मरियम साहब देखें हाउ टू डील विद द सिचुएशन तो इंसान कह सकता है ना उसमें तो कोई गद्दारी थोड़ी है। नहीं इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि हुकूमत को ये चीज़ें मैनेज करना चाहिए थी। क्या ये सारी चीज़ें हुकूमत के कहने पर हुई मुझे नहीं मालूम कि उनकी गिरफ्तारी भी हुकूमत के कहने पर इसमें लाई गई है मुझे नहीं मालूम मगर ऐसा अगर है और हुकूमत इससे बचा सकती थी तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि इस वक्त सबको इकट्ठा मिलाकर साथ लेकर चलते ये काम आगे पीछे हो सकते हैं मगर मुझे नहीं मालूम कि उनकी कितनी से है। अब जो हालात इस वक्त हैं उसके तहत आपने जारहाना सफारतकारी की मगर अभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे वजीर जो खारजा हैं वो भी मुल्क के अंदर से टेलीफोन्स के जरिए मामला हल करने की कोशिश कर रहे हैं और सारी पार्टीज जो अपोजिशन की हैं चूंकि आपने उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया वो भी आपके साथ नहीं है अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान का केस उसमें वो जान नहीं बन रही जो होनी चाहिए थी वो जान उसमें नहीं पा रहे आप बिल्कुल ठीक है। उसमें नफीसा नफीसा साहिबा ये जो कोशिश करनी चाहिए थी वो नहीं है। जी नफीसा साहिबा ये हमने देखा है कि इस वक्त क्योंकि अपोजिशन को बिल्कुल भी ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता तो एक जैसे ज़ख़म खुला हुआ है अगर ये कश्मीर के इशू पे हुकूमत मुतमईन पाकिस्तान के आवाम को नहीं कर पाई और साथ ही साथ हमने कमोडिटीज़ और यूटिलिटीज़ की प्राइसेस में कोई हाइक देखी और ये अवामी मसाइल जो हैं ये रोड पे आ गए तो ये ज़ख़म जो खुला हुआ है विज़वी के मियां साहब और मरियम साहब का नैरेटिव भी है वो कब तक नैरेटिव को तो नहीं कैद कर सकते तो ये जो खुला ज़ख़म है जिसके साथ हुकूमत ऑपरेट कर रही है कितनी वल्नरेबल है ये हुकूमत आपके ख्याल से इस वजह से। नफीसा साहब देखिए मैं शायद लतीफ़ साहब से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ इन मौक़ों पर जितनी भी क्राइसिस हो। देखिए आपको याद होगा जब पाकिस्तान स्प्लिट हुआ दो हिस्सों में तो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने लीडरशिप ली और उन्होंने कौम को हौसला दिया और फिर वो आगे लेके गए 5 साल उन्होंने रीबिल्ड की नेशन को। तो इस वक्त इन मौक़ों पर लीडरशिप का पता चलता है कि लीडरशिप जो है कोई वी हैव सीन कि कौमें जो हैं वो बिल्कुल शिकस्ता हाल में होती हैं लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग लीडर आए तो वो उनको उठाता है वो उनको हौसला देता है। हमें प्राइम मिनिस्टर साहब की जो एक बात उन्होंने कही असेंबली में वो नारा इस वो गूंज रहा है कि मैं क्या जंग करूं अगर जंग करनी है तो वो भी करनी चाहिए कश्मीर के मामले में इसका फिर रिएक्शन ले लेते हैं। कोर वैल्यू है और हमने लीडरशिप ऑपोजिशन को आपने ऑन बोर्ड नहीं लिया चीमा साहब ऑपोजिशन को आपने जेलों में बंद किया हुआ है ये जख्म एक खुला हुआ है मुल्क एक पेज पे नहीं है चीमा साहब ये आपकी हुकूमत की पॉलिसी क्यों आपके ख्याल से ठीक है आप
मुझे अपना पॉइंट तो समझता हूँ जी। मैं समझता हूँ ये कहना इंतहाई नामुनासिब और ये दुरुस्त नहीं है कि हुकूमत ने जो है मरीम नवाज को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करा दिया कि जो कश्मीर के ऊपर कोई पता नहीं वहाँ पे कोई चढ़ाई करने जा रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। पहली बात तो ये कि वो इदारे आज़ाद हैं, वो और अदालतें आज़ाद हैं, वो कानून के मुताबिक डील कहें, NRO कहें, मुकमुका कहें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चाहिए जितनी मर्जी कोशिश करें, सिर्फ एक इनके पास नैब के लॉस के तहत प्ली बार्गेन की ऑप्शन मौजूद है। हर चीज पे अगर NRO कहेंगे, डील डील कहेंगे तो मुल्क एक पेज पे कैसे आएगा सर? दूसरी आप इदारों को करने दें अपना काम, आप क्यों NRO डील NRO डील करते रहते हैं? अब मैं अर्ज कर लूं, गुजारिश यह है कि हुकूमत ने बिल्कुल हर मौके के ऊपर जो है अपोजिशन को जो है साथ लेने की कोशिश की, पुलवामा के बाद भी देख लें, अभी रिसेंट भी आप कोशिशों से एग्री नहीं कर रहे हैं के लोग। बहुत बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, निहाल हाशमी साहब, नफीसा शाह साहिबा और एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब, और नाज़रीन आपका शुक्रिया। कुछ कहना चाहें तो मेरे ट्विटर हैंडल पर आप जाके अपने ओपिनियन का इजहार कर सकते हैं। कल इंशाल्लाह 8:05 पर एक दफ़ा फिर मिलेंगे।